आई वुड से अ वेरी प्लेजेंट एंड वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी, जब हमने दर्शकों के साथ इस रिश्ते को थोड़ा सा नए रूप में ढाला, इसे रीडिफाइन किया। तो जब मैं आज तक पर आया, आज तक तो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस था ये सोचकर कि मेरे जो दर्शक हैं वो इस नए प्रोडक्ट को कितना स्वीकार करेंगे। तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं अपनी पारी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और हम लोगों के जीवन में जब भी हम कोई नया शो शुरू करते हैं, तो हमारे प्रोफेशन में हम यही समझते हैं कि आप यू आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। आज जितनी टेक कंपनियां हैं, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितनी कंपनियां आपको जो वो आपको क्या प्लेटफॉर्म दे रही हैं, वो आपको आपकी ओपिनियन को लोगों तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप अपने व्यूज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, अपने वीडियो के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए। अपनी ओपिनियन जाहिर करने की आज़ादी को आप इन टेक कंपनी से खरीद रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे दर्शक ओपिनियन सुनने के लिए और अपनी ओपिनियन देने के लिए कितने बेताब हैं। मैं किसी का अपमान करने वाले इंटरव्यूज में, संवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मेरे सामने कोई भी व्यक्ति अगर आता है मेरा मेहमान बनकर, तो सबसे पहली बात है वो हमारा मेहमान है और उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और उसे अपनी बात कहने की पूरी छूट मिलनी चाहिए, पूरा स्पेस उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपना जवाब खत्म कर सके। कम से कम मेरे ऊपर तो ये बात लागू नहीं होगी कि मैंने कभी सवाल नहीं पूछे। अब होता यह है कि जब आप 1 घंटे का इंटरव्यू करते हैं और जो आपके ट्रोलर्स हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं और जो जिसको आप कहते हैं ट्रोल आर्मीज, वो उसमें से कुछ एक छोटा 30 सेकंड का चंक निकालते हैं। जैसे आपने मुझसे सारे इंटरव्यू, सारे सवालों के बाद अगर आपने मुझसे ये पूछा कि सुधीर जी आप खाली टाइम में क्या करते हैं, है ना, तो ये भी आप पूछेंगे ही जब हम एक दूसरे से इतना संवाद कर रहे हैं। तो और अगर कोई इस पूरे इंटरव्यू में से सिर्फ उसने सवाल को निकाले और बोले कि रोहेल ने, देखिए उसके सिर्फ ये समझ में आया कि पूछे कि आप खाली टाइम में क्या करते हैं, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, ये इंटरव्यू में वो पूछ के आ गए, बट आपने तो सारे सवाल पूछे हैं। यही हमारे साथ भी होता है और फिर एक छवि बना दी जाती है, फिर एक पूरा एक नैरेटिव बना दिया जाता है और फिर उसे इस तरीके से पेश किया जाता है।